मंगा ली है भाई ने। क्या कर रहे हो, फाड़ोगे आज? आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या कहना? मैंने लेफ्ट कार्ड के फुटपाथ टाप के इधर करता सीधा अंदर ही अंदर। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग अनदर वीडियो। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ ठीक ही होंगे। मैं भी ठीक ठाक, बिल्कुल फर्स्ट क्लास, ज़बरदस्त। सो जी, आज की रिपोर्ट पे है, तो रिपोर्ट आज की ये है। अभी हम जा रहे हैं, जैसे रात वाला व्लॉग आपने देखा था, अली के पास, चौधरी साहब, चौधरी अली के पास, उसकी फैक्ट्री वो विज़िट करवानी है आपको, और उससे उसके ब्रांड के बारे में मालूमात लेनी है, चीज़ें पूछनी है, और कुछ मीटिंग है मेरी और अली की फॉर द फ्यूचर। ही वांट्स मी टू बी एम्बेसडर ऑफ हिज ब्रांड, सो लेट्स गो, लेट्स मीट हिम। और अब आहिस्ता आहिस्ता वक्त आ रहा है कि लाहौर को टाटा बाय बाय कर दिया जाए, लेकिन मसला ये है कि यार यहाँ पे जो जो हमारे प्यारे भाई हैं, जो जो व्लॉग्स में आपको नज़र आए हैं वो, और जो नहीं नज़र आया जिनसे मैं पर्सनली ऑफ द कैमरा मिला हूँ, भाई ये लोग जाने ही नहीं दे रहे। कभी कोई दावत रोक लेती है मुझे यहाँ पे, कभी कोई किसी की इमोशनल ब्लैकमेलिंग रोक लेती है यहाँ पे, कभी किसी की मुझे कोई आपका अल्लाह भला करे और बात रोक लेती है कि जी रुक जाए, कोई काम रोक लेता है, और फिर आफ्टर ऑल जब बिल्कुल ही सब फ्री हो जाता तो वो साला स्मॉग रोक लेती है, धुंध है मोटरवे पे, मोटरवे के टोल प्लाजा के पास गया तो नहीं हो, खैर फ़ोन करके ही पूछा तो उन्होंने कहा जी मोटरवे बंद है। अच्छा जी खुल गई है? नहीं बॉस मोटरवे बंद है। अच्छा जी खुल गई है? हाँ जी खुल गई है। थोड़ी देर बाद किया कि हाँ जी कन्फर्म है खुली हुई है? नहीं सर अभी अभी बंद की है। मैं कैसे जाऊं घर वापसी? मामा जी तैयार हो गए हो आप? मैं तो तैयार हूँ, समी को निकाल वॉशरूम से। समी खान कितनी देर है आपको? जल्दी कर लो यार, थक गया हूँ मैं। भाई ये लोग तो टाइम लगा रहे हैं, हम चलते हैं जाके लाला में पानी शानी भी देख लेते हैं। जब से आया है आज कोई सातवां दिन है, लंबा सफर मार के आई है गाड़ी, लेकिन मैंने पानी नहीं देखा, तो ओ जब तक ये लोग बिजी हैं हम अपना टाइम पास कर लें। और हाँ भाई भाई यार लाहौर में जो रहता है ये मास्क ज़रूर पहने भाई, स्मॉग बहुत बुरा हिट कर रही है। ये ले जी, जहाज ले हैं यार। वक्त अगर मैं आपको बताऊं ना तो वक्त हो रहा है इस टाइम पे, ये देखो 4:05, और लिटरली यहाँ पे आज कोई सूरज, ये देखो यहाँ पे सूरज है, ज़रा सनलाइट नहीं है भाई, ज़ीरो सनलाइट, जस्ट बिकॉज ऑफ स्मॉग। तो नहीं क्या बनेगा ब्रो, जितने लोग यहाँ लाहौर में रह रहे हैं ना उनकी हिम्मत है भाई, अपना गुजारा नहीं है स्मॉग में। मैं लिटरली आपको बता नहीं सकता कि जो मैं अपनी नेकेड आई से देख सकता हूँ ना, वो आई डोंट थिंक कैमरा वो दिखा सकेगा। उफ, जो यहाँ रह रहे हैं ना वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं इसको। ये जी अपना लाला दी ग्रेट आते हुए। पानी शानी आपके भाई ने पूरा कर दिया सारा, मैं अकेला आदमी था, व्लॉग करता या वो करता, मेरे तो वो भी ख़राब है, शॉक्स जो है वो नहीं टले, तो वो दिखा नहीं सका बस। लेकिन ये गाड़ी में पानी पूरा था, लाला डिसअपॉइंट नहीं करता जब तक हम कोई भंड ना मार दें। यार अब घर वाले आ जाए फिर छू मंतर। तो मट्टी की सूरत हाल पे हो ना, ये देखें सारी मट्टी है, गाड़ी बेसमेंट में होती है। जब मैं सर्विस करा के लाया था तो जब नहीं निकाली थी ना, दो दिन बाद सर्विस के बाद में निकाली, तो गाड़ी साफ चमकती हुई निकली थी। अच्छा चलो अगर आपको लगता बेसमेंट में मट्टी होगी तो ये गाड़ी बाहर की है, ठीक है। इसके स्क्रीन पर मट्टी देखें आप, कितनी मट्टी है, उसने वाइपर मार के साफ किया हुआ है। बहुत भाई हालात खराब है इधर के बॉस, भाई खुदा का वास्ता चल लो, अब दिखाऊं नीचे दिखाऊं, चल ले भाई मेहरबानी कर। यार देखो तुम लोगों फारिग, ठीक है मैं हूं ना बिजनेस वाला बंदा, मैं टाइम टेबल के साथ बिजनेस करावा। रात को मेरी बात सुन भाई, रात को इलॉन मस्क के साथ मीटिंग कर रहा था, तुम लोग उठाई जा रहे हो, उठो उठो उठो, चल पर नहीं यार चल चले। गाइस मेरे भाई ने मेरी टांगे हवा से लगा दी भाई, पूरी पलटन को ना लेने आना हो ना, मतलब इनको निकालना हो ना, तो नीचे जाओ गाड़ी का, गाड़ी को सही करो, मतलब पानी वानी डालो, उसके बाद इनको लेने भी आओ। पेट दिया जरा, पेट भर देते थोड़ा सा। कितने दिन बाद भरी जा रही है ये?
मेरे ख्याल में जब से आए हैं ना, जब से आए हैं तो इन सिटी ये दूसरी दफा को डलवा रहे हैं हम। नाइस यार, अच्छा काम कर रहे हो, चला ही नहीं रहे तो डीजल का लगेगा। यार लाहौर के जो फ्लाई ओवर है ना, बड़ा इम्प्रेसिव है यार। ये चेको कितना मजा गोल घूम के आ रहा है। वाह यार, बंदा ड्रिफ्ट मारे है, पूरे फ्लाई ओवर पे बंदा ड्रिफ्ट मारे। ये जी हम पहुंच गए हैं अल्फा की फैक्ट्री में। ये सामने उनका सामान लोड हो रहा है। ये हमारे चौधरी साहब का प्राडो खड़ा हुआ है। अब हम इसी के पीछे कुत्ता लगा हुआ है, कुत्ता सो रहा है, छटा दिया कुत्ता। अस्सलाम वालेकुम, कैसे भाई, कैसी हो? ठीक हूं मैं। बैठो, आप बीमार हो? देखो माशाल्लाह, मैं नहीं बीमार हुआ, छोटा बीमार हुआ है। माशाल्लाह भाई, ये किधर जा रहा है ट्रक? कराची जा रहा है। जबरदस्त। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है, कैसे हैं? ठीक है, फिट है, जबरदस्त। ओए होए होए। सो जी अभी पहुंच गए हम लाइव ऑर्गेनिक के ऑफिस में। और अली भाई आए ना, जरा आए ना, आए ना, आए ना। ये हमारी शर्मीली सी है एक, तो भाई ये इनका माशाल्लाह से ऑफिस है। हम अभी वेयर हाउस है ना, ये वेयर हाउस है। हाँ, हम वेयर हाउस में हैं। वो लाइक यू कैन सी, वो देखो सारा काम शाम भी चल रहा है वहाँ पे। और ये वाले बिलाल भाई, रात में ब्लॉग पर आपने देखा होगा थोड़ा थोड़ा इनको। ये रे, इनको माशाल्लाह से घोड़ों का बहुत शौक है। अली भाई आपको भी है? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। सो जी लेट्स टॉक अबाउट दिस ब्रांड, दिस इज अल्फा। बाकी की जो बात है वो मैं क्या कहते हैं अब बोलो। हाँ, बाकी की जो बात है वो बिलाल भाई के साथ भी, मैं आपसे बिलाल भाई से भी मिलवाऊंगा, बिलाल भाई भी आपको बताएंगे। सो ये ब्रांड जो है, दिस इज़ पाकिस्तानी ब्रांड और इट इज़ लाइक एक्सीलेंट। अली कब से है ये? मुझे 2 साल हो गए हैं। 2 साल? हाँ ठीक है। सो ये जी इनके पास पूरी वैरायटी है, हर टाइप का, कुछ वराइटीज़ हैं, मतलब लाइक अभी कुछ मिसिंग है इसमें से जो भी यहाँ नहीं है। और यार टेस्ट की अगर बात करें ना, तो टेस्ट मैंने ये जो जूस है ये ट्राई ख़ुद भी किया है, मेरे घर वाले भी करते हैं। मतलब एक तो ये जो आपको पता है जैसे कि बायकॉट चल रहे हैं, तो हमारे घर में ना सिर्फ और सिर्फ आता है अल्फा, अल्फा आता है। और इसका जो टेस्ट है मैं कहता हूँ कि टॉप नॉच। जितने बड़े ब्रांड्स हैं मैं क्लेम करता हूँ, मैं क्या कहता हूँ, खुला कहता हूँ कि यार इनका टेस्ट सबसे ज़्यादा बेहतर और टोटली हाँ बाकियों से बहुत हेल्दी। अगर आप बाकियों का सिस्टम सीन देखो ना, उसके बनिस्बत ये उनसे इन हेल्थ ग्रेड बहुत ऊपर है। ऐसा ही है ना? हाँ ऐसा ही है। सुबह से अभी बिलाल भाई का वेट करते हैं, बिलाल भाई आ जाए तो उनसे मज़ीद बात करते हैं, मालूमात लेते हैं। जो मज़ीद डिटेल्स हैं वो बिलाल भाई और अली भाई दे सकेंगे हमें। मैं बस बिलाल भाई आ जाएं, देन उसके बाद आपको बिलाल भाई से मिलवाता हूँ। सो जी बिलाल भाई हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? फिट है? सॉरी फॉर बीइंग लेट, मैं माशाल्लाह से कभी भी टाइम पे कहीं पे भी नहीं पहुँचा, यहाँ पे भी लेट हो गया बिकॉज ऑफ दिस गाइस अमी खान की वजह से। ये नींद में थे, टून पड़े हुए थे। सो भाई जैसे मैंने सबको बताया कि अभी हम पहुँचे हैं सारे ये लाइव ऑर्गेनिक फूड्स पे, जो इनका वेयर हाउस है और ये इनका ऑफिस है। तो बिलाल भाई और अली भाई ये ओन करते हैं इस ब्रांड को, नेम अल्फा। तो बिलाल भाई थोड़े से आपसे मैं क्वेश्चंस करूँगा और आपने बस उनका मुझे बताना है, इट्स ऑल अबाउट के योर ब्रांड, अपने ब्रांड के बारे में। तो सबसे पहले मुझे ये बताएं कि यहाँ पर तो मुझे काफ़ी सारी रेंज नज़र आ रही है, और मैं पर्सनली ये ब्रांड अभी पहले भी बताया फिर बता रहा हूँ कि मैं मेरे घर पे यही यूज़ होता है। तो भाई मुझे आप बताएं कि आपके पास कितनी कोई रेंज अवेलेबल है इस टाइम? हमारे पास इस वक्त जो हमारी रेंज है उसका 48 SKUs है, ठीक है। और जिसके अंदर आपकी जूसेस हैं, और जूसेस के अंदर आपका पेट के अंदर है, फिर आपका NR के अंदर है, शीशे की बॉटल के अंदर है, मेरे ख्याल में शीशे की बॉटल भी है ये इसके अंदर फ्लेवर है हमारे पास। फिर उसके बाद बेसल सीड्स के अंदर हमारे पास फ्लेवर है, उसके बाद हमारे पास कॉटन पैक के अंदर फ्लेवर्स हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास पेट के अंदर 250 ml, 500 ml, लीटर, 2 लीटर। फिर उसके अंदर हमारे पास नेक्टर भी है, नेक्टर की एक रेंज है। इस नेक्टर को अब हम इंशाल्लाह ताला मार्च में लॉन्च करने जा रहे हैं, इंशाल्लाह। अच्छा, सो द नेक्स्ट थिंग इज वॉज इन माई माइंड के
जो आपके इंग्रेडिएंट्स हैं, मतलब लाइक ये सिंथेटिक ड्रिंक है या फ्रूट ड्रिंक है? ये बेसिकली फ्रूट ड्रिंक है, सिंथेटिक ड्रिंक नहीं है, फ्रूट ड्रिंक है। इसके अंदर जो हमारी जो बेसिकली लोग नेक्टर के अंदर 15% पल्प डाल रहे हैं, हम अपने बेसिक जो हमारा वेरिएंट है हम उसके अंदर 15% पल्प डाल रहे हैं। और दिस वन जी ये वाला, और जो हमारा नेक्टर है नेक्टर के अंदर हम 25% पल्प डाल रहे हैं। और इसके अंदर आपकी जो है 15% पल्प है, और ये बेसिकली 13 ब्रिक्स ये शुगर लेवल होता है बेसिकली। सही, तो 13 ब्रिक्स और 15% पल्प के ऊपर ये जूस प्रिपेयर हुआ है। और इसके अंदर जितने भी बाकी इंग्रेडिएंट्स हैं वो इम्पोर्टेड है। अच्छा, तुर्की के यूज़ करें। सही सही। सो आपका जो अभी है माशाल्लाह ये आउट ऑफ कंट्री पाकिस्तान भी जा रहा है, बाहर भी जा रहा है। सो कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है? हमारा ये पहला साल था, और इस पहले साल के अंदर ही अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने काफ़ी सारी कामयाबियां दी हैं, और काफ़ी सारे पाकिस्तान के अंदर डिस्ट्रीब्यूटर्स को लिए। उसके बाद एक्सपोर्ट भी हमारी शुरू हो गई, और एक्सपोर्ट के बहुत अच्छे रिस्पांस हैं और फीडबैक बहुत अच्छी आ रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो अगला साल है जो 2025 आ रहा है उसको हमने बहुत अच्छे तरीके से प्लान किया है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा भाई, ये तो जूसेस हैं, ये तो फैमिलीज वगैरह हर जगह पे ये चल जाते हैं, तो मुझे ये बताया जो हमारे अभी जैसे हम लोग हैं खाने खाते वक्त हमारी ये खाना नहीं उतरता जब तक हम कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह ना पिए। सो अभी मुझे ये एनर्जाइजर सिर्फ नजर आ रहा है सामने, सो इसके अलावा भी कोई कार्बोनेटेड ड्रिंक का इरादा है? अभी हमने एनर्जाइजर लॉन्च किया था, ये हमने गालबन अप्रैल के अंदर हमने एनर्जाइजर लॉन्च किया था, और इसका बहुत ज़बरदस्त फीडबैक आया हमारे पास। अब इसकी वजह से हम आगे कोला के अंदर भी जा रहे हैं, लेमन ब्लैक कोला लेमन के अंदर हम जा रहे हैं, लेकिन अभी कोला के अंदर हम दो फ्लेवर्स लॉन्च करेंगे। अच्छा। और एनर्जाइजर के अंदर हम तीन फ्लेवर्स का सोच रहे हैं, को ब्लूबेरी आ गया और एक येलो आ रही है। जीरो शुगर भी लॉन्च करेंगे? जीरो शुगर का यार अभी सोच रहे हैं, बट अभी पाइपलाइन में है, लेकिन इस 2025 में लॉन्च नहीं कर रहे। 2025 में हम नेक्टर लॉन्च कर रहे हैं, टिन कैन को लॉन्च कर रहे हैं, और CSD को लॉन्च कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला पानी भी देंगे। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था भाई से कि टिन्स का क्या इरादा है? तो हम टिन के अंदर आपको एक बड़ी जबरदस्त चीज देने लगे हैं। टिन के अंदर अभी तक पूरे पाकिस्तान के अंदर बैसल सीट नहीं आया, और नाटा दी कोको नहीं आया टिन के अंदर। ये पहली कंपनी होगी जो आपको बैसल सीट भी और नाटा दी कोको भी टिन के अंदर। कोको व्हाट टाइप का जो होता है? जी नाटा जो मोको। जबरदस्त। सो अच्छा, अली से भी मैंने पूछा था, अली ने भी मुझे बताया। सो आपसे भी पूछ रहे थे वही सवाल, दोबारा पूछ रहे थे। तो आप कब से मतलब लाइक यू आर इनटू दिस फील्ड? मैं इस फील्ड में, मेरा एक्सपीरियंस जो है वो बहुत भी हुआ 3 साल का। अच्छा, लेकिन जो हमसे पहले जो हमारे बड़े हैं उनका एक्सपीरियंस इसका 25 से 30 साल पुराना है। इससे पहले हम हमारे अल्फा कुकिंग वाले की मिल थी, वो हमने चलाई है तकरीबन 20 साल। ये मुझे पता है, आप लोगों को बताने के लिए ये कि तो बेसिकली जो हमारे जो बड़े हैं वो बहुत पुराने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इसलिए हमें प्रॉब्लम नहीं आई इसको लॉन्च करने में। और सही से बिजनेस में तो मैं 2017 से हूँ, बट मैन्युफैक्चरर एज अ मैन्युफैक्चरर जो है बिजनेस के अंदर मैं तकरीबन मुझे 3 साल हो गए। तो अभी पाकिस्तान में कहाँ कहाँ अवेलेबल है ये अल्फा? पाकिस्तान के मेजर टाउन के अंदर, तमाम मेजर टाउन्स के अंदर हमारा अल्फा जो है अवेलेबल है, बाकी उसके नीचे सराउंडिंग्स वगैरह भी। इस टाइम हमारे अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल के अंदर अंदर 103 डिस्ट्रीब्यूटर। सो यू आर इन लाहौर, यू आर इन कराची, पेशावर, इस्लामाबाद, और अब लाहौर पेशावर मोटरवे पे भी है। मोटरवे के ऊपर नहीं, नहीं मोटरवे के ऊपर अभी नहीं आया, मोटरवे के ऊपर 2025 में आ रहा है। के ऊपर हमारी बड़ी स्ट्रांग वर्किंग है, इंशाल्लाह ताला आपको 80% LMTs के ऊपर हमारा जूस 2025 में नजर आएगा। मतलब अगली ट्रिप पे वापसी पे हमें मिल जाएगा, आपको मोटरवे मिलेगा और बाकी आपको LMTs के ऊपर मिलेगा। This was for today. मतलब like vlog end नहीं कर रहा मैं अभी, बट ये details थी सारी की सारी आप लोगों को मैंने बताना था कि भाई this is अल्फा,
और सारी हिस्ट्री, सारी अपकमिंग चीज़ें, सब चीज़ें जो अभी आपको आने वाले वक्तों में मजीद मिलेंगी, मतलब अभी रेंज जो है वो मजीद बढ़ती जाएगी, आपको हर साल इसमें नई चीज़ें ही मिलती रहेंगी। ऐसा नहीं होगा कि इधर आके हम बस कर गए। अभी आपको ये इस साल के अंदर जो 2025 में नेक्टर लॉन्च कर रहे हैं, 10 कैन आ रहा है, सी एस डी के अंदर काफ़ी सारे फ्लेवर आ जाएंगे, और उसके बाद पानी आ रहा है। फिर उससे नेक्स्ट ईयर हम 2025 के अंदर 10 के अंदर नाटा दी कोको और बैसिल सीड, ये भी बड़ी एक रेंज है जो हम 2025 में लॉन्च कर रहे हैं। पहले एक इतनी बड़ी रेंज, और उसके बाद जो नेक्स्ट रेंज हम लॉन्च कर रहे हैं वो भी एक बड़ी रेंज है जो 2025 में आ गई। फिर इंशाल्लाह ताला 2026 में और कोई रेंज लेकर आएंगे। बहरहाल आपको हर साल इसके अंदर जो है ना इजाफा ही मिलेगा। अच्छा, एक चीज़ और मेरे माइंड में अभी अभी आई है, वो ये कि अभी जैसे हमारे पास पॉमी है, पाइन एप्पल है, एप्पल है और मैंगो है, मतलब हर जो वेरिएंट मैं कहूँगा अपनी सादी आम जुबान में जो वेरिएंट है उसके अंदर मतलब कितने कितने फ्लेवर्स हैं? डिपेंड आपके बैसिल सीड के अंदर 6 फ्लेवर्स हैं। अच्छा, ये वाली बॉटल के अंदर 6 फ्लेवर्स हैं। ठीक है, इस वाले पेट के अंदर 5 फ्लेवर्स हैं। ठीक हो गया। और इसमें इसके अंदर 4 फ्लेवर्स, क्योंकि पाकिस्तान में मैंने देखा सबसे ज्यादा यही चलता है। हाँ, मैंगो की सेल सबसे ज्यादा रनिंग किस बॉटल की, मतलब लाइक दिस टेट्रा पैक, दिस बॉटल और दिस बॉटल? हमारी जो सबसे ज्यादा रनिंग आइटम है, एक एनर्जाइजर चाहिए, एक एनर्जाइजर है, दूसरा आपका एनआर है, तीसरा आपका लीटर है, और टेट्रा पैक। सही सही, टेट्रा पैक बेसिकली एक कंपनी है, टेट्रा पैक नहीं है, इसको कॉटन पैक कहते हैं। सही, टेट्रा पैक तो ये पैकेजिंग होती है, पैकेजिंग का नाम है। ठीक 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 ठीक, जबरदस्त। बाकी इट्स अ पाकिस्तानी ब्रांड गाइस, यू शुड गिव अ ट्राई, बायकॉटिंग भी आपकी सही रहेगी। हाँ, और आपकी जो जो आजकल है ना, ये हमने जो बायकॉट किया है सब चीज़ों से, तो पाकिस्तान के अंदर भी भाई बहुत अच्छा। अगर आपको मैं पर्सनली एज अ आदि खान, मैं अपने घर में रोज़ों में मतलब लाइक हर चीज़ के अंदर पाकिस्तानी ब्रांड, दिस इज़ अल्फ़ा, इसकी हर चीज़ हम यूज़ करते हैं, लाइक जूस, सारी बॉटल्स मेरे पास पड़ी हुई हैं, ये मैं शॉर्ट्स पर लेके जाता रहा हूँ। और फिलहाल भाई जब बोतल खाली रहती है ना, हम फेंकते नहीं है, पानी भर के रख लेते हैं फ्रिज में। तो ये देखें जी, दिस इज द क्वालिटी। ये जो बॉटल्स होती हैं ये पाकिस्तान मेड है क्या, इनका क्या हिसाब होता है? इसको मैं ये भी हम खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। अच्छा, आपने देखा होगा मेरे पीछे लिखा अली ग्लास पैकिंग प्राइवेट लिमिटेड, ये भी हमारी कंपनी है जिसके अंदर हमारी सारी बॉटल्स, और इससे पहले एक प्री फॉर्म बनता है, प्री फॉर्म की मैन्युफैक्चरिंग और बॉटल्स की मैन्युफैक्चरिंग, ये सब कुछ हम अपने लिए भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और हम थर्ड पार्टी को भी डिलीवर करते हैं। अच्छा अच्छा, मतलब लाइक कोई और ब्रांड अगर आपसे और बाकी फैक्ट्रीज वालों को भी देते हैं। तो भाई हम लोग फ्री हो चुके थे अपना फैक्ट्री से। अब की रिपोर्ट ये है कि अभी हम लोग जा रहे हैं अपने होटल वापसी, और वहाँ जाके जरा थोड़ा सा यार मुँह हाथ धोएं, और फिर जहांगीर भाई का फोन आया, वो आ रहे हैं होटल में, कह रहे हैं कि यार आओ कोई डिनर है भाई, हल हो रही बाकी फाड़ देंगे। लेकिन चलो अभी यहाँ से ज़रा रास्ता थोड़ा सा कच्चा पक्का सा है यार, ये थोड़ा सेफ भी नहीं लग रहा मुझे, क्योंकि मेरे लिए तो हो सकता सेफ हो, लेकिन फॉर मी देखो ना ऐसा इलाका है। तो एक दफ़ा होटल पहुँच जाए ना, फिर आपसे मुलाकात करता हूँ मैं। जब से लाहौर आया हूँ ना, एक ही रोना रो रहा हूँ, दो रोने सॉरी, खाना बहुत ज़्यादा खाने को मिलता है, और दूसरा स्मॉग, चेक करो यार। पहुंच गए भाई हम अपने होटल। खोलो जी अंकल चाचू, खोलो, कोई असला नहीं है मेरे पास, कसम से। सलाम साहब, बुआ खोल दो। आई ओए, कमर थोड़ी देर सीधी करे। कैसे हैं, ठीक है, फिट है? याशी करो जी चाचू, मेहरबानी जी आपकी भी। ओए होए, अद्धे से रश लग गया होया जी, की हो रहा है? आओ जी, चलो हमने तो वैसे ही उतरना है, गाड़ी लगा देंगे। 2 hours later हम होटल आ गए थे। अब मैंने जरा चेंज किया, मेरी थोड़ी सी आंख लग गई थी यार, तो बस अभी ये है कि चलते हैं। जहांगीर भाई पहुंच गए हैं वहाँ पे, वेट कर रहे हैं, हमारा एनर्जी थोड़ी सी लो हो गई है, बिकॉज आई एम सो टायर्ड, नींद भी पूरी नहीं है। और आपको पता है, आपके सामने की बात है, गए भी थे हम उधर फैक्ट्री गए थे, सो बस अभी लाला को लेते हैं पहले से, देन जहाँ पे जहांगीर भैया वहाँ चलते हैं।
अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है भाई, कैसे हैं? ठीक हैं, फिट हैं? अस्सलामुअलैकुम, सॉरी फॉर बीइंग लेट यार, चले निकले दोनों बाहर हो इसकी वजह से यार, लाइव बैठा हुआ था ये तो। और सुनाइए जी, फिट हैं भाई? फुटपाथे टापी हैं मैंने अभी, बड़े मजे की, इस तरह की ना फुटपाथ नहीं है वो मेरे निषाद के सामने, होटल के सामने, तो मैं वहाँ से क्या कहते हैं पहले मुझे निशाद उसने बंदूक खाने वाली गली में अंदर डाला। अच्छा, मैं अंदर गया हूँ वहाँ से, फिर वापस मुड़ा हूँ पिछली गली में आ रहा था तो वो आगे ताला लगा हुआ दरवाजे को, ताला लगा हुआ दरवाजे, मैं वापस आया गुस्से में। अब मुझे कट मिला तो वो हुआ, मैं मालमरा चौक नहीं है उधर से, मैं दूरी रश देख लिया, मैंने लेफ्ट पे दबाई गाड़ी थोड़ी सी, मेरा जैसी रश इधर से उधर से हल्का हुआ ना, मैंने लेफ्ट काट के फुटपाथ टाप के इधर करता सीधा अंदर ही अंदर। हैवल कर सकती है ये? नहीं कर सकती, चलो कैंसिल, हैवल नहीं ले रहा मैं। हमारा खाना आ गया है, जगह में क्या नाम बताया? वजू तंदर, वजू तंदर, वजू तंदर, भाई जो कह रहे हैं वही होगा। हाँ, हम स्पीचलेस हैं इस नाम के बारे में। और वो क्या है? इसमें सर राइस है, पोटैटो बेस है। अच्छा अच्छा, छलांगे मार रहा है खाना, क्या मंगा लिया है भाई ने, क्या कर रहे हो, फाड़ोगे आज? बस भाई देखें आप तो, कितनी छोटी पतली सी क्यूट सी टांग है ये, ओ सीख रहे, सीख सीख सीख, सॉरी जी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह भाई, खाना हम लोगों ने खा लिया है, अब हमारे जो वजीर आजम हैं घरों के, उनका मूड था चाय का, तो मतलब हमारी मदर्स तो मामा लोग आ रहे हैं वो पीछे गाड़ी के अंदर, जहांगीर की भाई की भी मामा उसी में है, हमारी अम्मी भी उसी में ही है, अब जरा लड़के लड़के इधर हो गए हैं, ये बस जी, अब जा रहे हैं हम कोई जगह है कड़क खेल, जी कड़क खेल, कड़क कड़क चाय पीने जा रहे हैं। पहले मैंने आपको काम बोला, पहले वो तो करे ना, ठीक है? हाँ, से भाई मिलेगा वो जेदी, जेदी है जी, हम पहुंच चुके हैं, चलो यार उतरे। ये जी हम पहुंच गए हैं कड़क खेल, माहौल बना हुआ है यार इधर तो बड़ा, वैसे भाई समी खान क्या कर रहे हो, क्या ऑर्डर किया आपने, ऑर्डर क्या किया है? ओके, अकेले क्यों हो इतने, ये आपदा परवीन का छोटा भाई नहीं लग रहा है इस टाइम पे? अब आरिफ लोहार लग रहा है जी। ओ जी बस हो गई है, खत्म, थक गए भाई, क्या हो गया, पहुंच गए जी अपने कमरे में, वापसी अपने घर पहुंच गए, अपने घर पहुंच गए, अल्लाह की कसम अब ये निशाद होटल ना ऐसा लग रहा है घर है अपना, 8 दिन हो गए, 7-8 दिन हो गए हम लोगों को, तो सॉरी 6-7 दिन हो गए हम लोगों को, तो बोलते नहीं हमें, हम पिछले जुम्मे आए थे, हम पिछले जुम्मे को निकले थे और एक आज जुम्मा था, सैटरडे लग गया भाई, नहीं यार सैटरडे भाई, एक हफ्ता हो गया हमें यहाँ पे आए हुए, व्लॉग एक आधा व्लॉग नहीं आया होगा क्योंकि उस दिन मैं रेस्ट मार रहा था। बस यार इसी के साथ दें अपने भाइयों को इजाजत, मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में, अब शायद नेक्स्ट व्लॉग जो होगा वो वापसी का ही व्लॉग होगा, तो दें अपने भाइयों को इजाजत, मिलते हैं हम अगले किसी व्लॉग के अंदर। ये हमारा आज लाहौर का जो ट्रिप था वो होता है एंड, सो गांव में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग, यार चुप कर हैंसन, बात नहीं करने देता यार, भूल जाता हूँ मैं सारी बातें। सो यार मैं वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन लाजमी दबाना ताकि आने वाली सारी नोटिफिकेशन आपको पास आने मिलती रहे। दे अपने भाइयों को इजाजत, दुआओं में याद रखिएगा, फी मानिल्लाह।